इसके शो सभी लोग आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने एचके शेफ किचन में। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पफ। ये चिकन पफ आप रमजान में बना के भी खा सकते हो, बच्चों लोग को टिफिन में भी दे सकते हो आप लोग। साथ आधा किलो मैदा भी ले लिया है हम लोगों ने, और इसमें हम लोगों ने 2 चम्मच तेल ले लिया है, 1 प्याज ले लिया है और 1 शिमला मिर्च ले लिया है और 1 अंडा ले लिया है जिसे हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आगे की चीज़ें मैं आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। पफ बनाने के लिए हम लोग ने 1/2 किलो चिकन बोनलेस ले लिया है। अभी हम लोग पफ बनाने के लिए डो तैयार कर रहे हैं, इसमें हम लोग ने ले लिया अपने स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे हम लोग। इसमें अभी हम लोग अंडा भी डाल देंगे, हम लोग तेल भी डाल देंगे। अभी इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम लोग थोड़ा जीरा डाल देंगे अभी, और इसे भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैदा भी डाल देंगे, और इसे भी हम लोग अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेंगे और इसे भी हम लोग अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख ही सकते हो इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। जैसे जैसे पानी की हम लोग को ज़रूरत लगती जाएगी वैसे वैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाएंगे, इसलिए कि हमारा डो अच्छे से रेडी हो जाए। डो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, अभी इसे हम लोग 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे क्योंकि वो और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अभी भी अच्छा सॉफ्ट हो चुका है, फिर भी हम लोग उसको 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो हम लोग आगे की इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बोनलेस चिकन को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे और प्याज को भी हम लोग चॉप कर लेंगे और शिमला मिर्च को भी हम लोग चॉप कर लेंगे। आपसे डायरेक्ट हम लोग चॉप करके मिलते हैं अभी। आप लोगों को प्याज को भी चॉप कर लेना और शिमला मिर्च को भी चॉप कर लेना है, और चिकन को इस तरीके से हम लोग ने कट कर लिया है, देख सकते हो एकदम छोटा कट करना है। फ्राई पैन में थोड़ा सा हम लोग तेल डाल देंगे, थोड़ा उसमें तेल डालेंगे, तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लोग प्याज ऐड कर लेंगे। गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम लोग प्याज ऐड कर लेंगे। हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसे कंटिन्यूसली हम लोग हिलाते रहेंगे प्याज को। प्याज फ्राई हो चुका है, अभी इसमें हम लोग चिकन ऐड कर लेंगे और चिकन को भी हम लोग अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, कंटिन्यूसली हम लोग हिलाते रहेंगे इसे। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसे भी हम लोग अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन का कलर आप देख सकते हो किस तरीके से हो चुका है, चिकन का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अभी इसमें हम लोग शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे, हम लोग ग्रीन चिल्ली सॉस 1 चम्मच ऐड करेंगे और 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस ऐड करेंगे इसमें हम लोग मिक्स। ग्रीन चिल्ली ऐड कर लेंगे हम लोग, और सेकंड रेड चिल्ली सॉस भी ऐड कर लेंगे, और इसे भी हम लोग अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे और शिमला मिर्च ऐड करके भी इसे भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे और इसे भी हम लोग अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम लोग 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालेंगे, हम लोग हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर भी डालेंगे। इसे भी अभी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम लोग 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। एकदम अच्छे से पक चुका है, अभी इसे हम लोग ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम आपसे डायरेक्ट ठंडा होने के बाद मिलेंगे। और हम लोग ने डो जो तैयार किया था उसे हम लोग 4 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ देंगे, ढक के छोड़ देंगे वो सॉफ्ट होने के लिए। अच्छे से ठंडा हो चुका है, अभी हम लोग आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट हो चुका है, इसको 4 घंटे हो चुके पूरी तरीके से। अभी हम लोग इसके अभी हम लोग पेड़े बना लेंगे,
छोटे छोटे मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से हम लोग को इसके पेड़े बना लेने हैं, इस तरीके से इसे बेल लेना है। अभी हम लोग ने इसे अच्छे से बेल लिया है, अभी इसमें हम लोग मटेरियल भर लेंगे अच्छे से। हम अच्छे से पैक कर लेंगे। आप देख सकते हो इसी तरीके से आप लोग भी फोल्ड करने से पैक कर लेना। अच्छे से आप लोग इसे पैक कर लेना। व्हाइट टिल से अच्छे से वो कर लेंगे, इसको व्हाइट टिल लगा लेंगे अच्छे से हम लोग। इस तरीके से हमें इसे तिल लगा लेना है अच्छे से। देख सकते हो फ्राई पैन ले लिया, फ्राई पैन में थोड़ा तेल डालेंगे और उसे हम लोग शैलो फ्राई करेंगे हमारे चिकन पफ को। ने इस तरीके से हमारे चिकन पफ लगभग रेडी कर लिया है। इसे हम लोग ने वाइट तेल से भी कवर कर लिया है। अभी इसे हम लोग शैलो फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम लोग हमारे पफ डाल देंगे। और थोड़े तेल भी उड़ेंगे फ्राई होते हुए। ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। तरफ से अच्छे से हो चुके हैं ब्राउन, अभी हम लोग इसको पलटेंगे। तो एक तरफ से कितने अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अभी हम लोग को इसको सेकंड तरफ से भी ऐसे ही ब्राउन करना है और थोड़ा साइड साइड में भी सेक लेंगे हम लोग इसे अच्छे से। चारों तरफ से हमें सेक लेना है, चारों तरफ से अच्छे से इसे ब्राउन कर लेना। आप देख सकते हो हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। हमारे चिकन पफ पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं। पफ को घर में बनाइए, टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बाय, आपसे हम मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, आप इसे घर में बनाइए, टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बाय, आपसे हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप देख सकते हो हमारे पफ पूरी तरीके से अच्छे से रेडी हो चुके हैं चारों तरफ से। मैं अभी इसको आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ, ये देखिए।